दोस्तों, विदाई समारोह के अवसर पर श्रीमान शुक्ला जी ने एक बच्चों को जोरदार विदाई समारोह के अवसर पर एक जोरदार स्पीच दिया, जिसे देखकर प्रधानाचार्य और समस्त शिक्षक बंधु, छात्र एवं छात्राओं, दीक्षांत समारोह जो होता है, विदाई समारोह जो होता है, वो शिक्षा का अंत नहीं है, शिक्षा का एक पड़ाव है। आप लोग यहाँ कक्षा 6 में आए होंगे, कोई 7 में आया, कोई 8 में आया, 4 साल 5 साल हम लोगों के साथ रहे आप लोग। हम लोग शिक्षित करने का, मार्गदर्शित करने का प्रयास किया और आप सबको आगे के शिक्षा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कुछ बातें आपको बताएंगे जो हमने सीखा है अभी तक, जो हमारा अपना अनुभव रहा है। हमारे जीवन का शिक्षा लेना मात्र नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षते अनेन इति शिक्षा, शिक्षा का मतलब होता है जीवन को कैसे जिए, किसको जाने। जिस दिन आप नौकरी के लिए पढ़ेंगे, ना तो आप पूर्ण शिक्षित हो पाएंगे और नौकरी भी नहीं मिलेगी। ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको एक नहीं कई नौकरियां मिलेंगी। आप दिखाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, पिताजी देख रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, जब तक दिखाने के लिए पढ़ेंगे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। शिक्षा की प्राप्ति अंदर से होनी चाहिए, आपको स्वयं से लगन होनी चाहिए, तब आप बिना किसी को प्रदर्शन किए, बिना किसी को दिखाए, अंतःकरण से जब पढ़ेंगे तो 1 घंटे की पढ़ाई प्रदर्शन वाली पढ़ाई के 4 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा अच्छी होती है। आप यहाँ से जाएंगे तो आप सभी, हम सभी शिक्षकों का प्रतिबिंब बन के जाएंगे। आपको कोई देखेगा, आपका आचरण, आपका अनुशासन। मार पड़ने पर आप में वृद्धि होती है। एक तो गुरु के द्वारा दंडित किया गया शिष्य, पिता के द्वारा दंडित किया गया पुत्र, और सुनार के द्वारा दंडित किया गया सोना। जब तक सोने को दंडित नहीं करेंगे, आभूषण का सत्य को दंडित नहीं करेगा, तो वो अच्छा पुत्र नहीं बन पाएगा। अगर आपको हम दंडित नहीं करेंगे, यथा शक्ति मतलब यथा अवसर, उसका वो हाथ उठाए रहता है कि आप टूटने न पाए, आपका निर्माण एक अच्छे सुंदर घड़े के समान है।